फाइनली केदारनाथ दर्शन के बाद मैं सीधे नीचे उतर आया और फिर मैं फाटा में एक रात रुका और सुबह सुबह उठा तो मौसम काफ़ी ख़राब हो रखा था और फिर मैं फ्रेश हुआ और फिर मौसम साफ होने का वेट करने लगा और जैसे ही मौसम साफ हुआ मैं वहां से निकल गया, क्योंकि मुझे आज चोपता यानी तुंगनाथ जाना था, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। फिर नेचर की खूबसूरती को देखता हुआ मैं पहुंच गया उखी मठ, वहां थोड़ा देर रुका और फिर मैं आगे की तरफ बढ़ चला। रास्ते ऐसे थे मानो मन को मोह लें, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और उस पे बादलों से घिरे हुए, और फिर रास्ते में कुछ लोग मिले जो दिल्ली से आए थे, उन लोगों से मुलाकात हुई और फिर मैं नेचर की खूबसूरती को देखते हुए आगे बढ़ चला और फिर मैं सीधा पहुंच गया चोपता। और फिर यहाँ आने के बाद तो मानो पूछो ही मत, सच में ये स्विट्जरलैंड जैसा दिख रहा था, पूरा लैंडस्लाइड नेचर से भरा हुआ, मानो यहीं रुक जाए और देखता ही रह जाए। फिर मैं वहीं पे रूम लिया और फिर रात में सो गया। पूरा ब्लॉग आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं।